हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एंड माय टुडेज टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या है और फिर हम पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप की आइसोमेरिज्म है। तो मैं आपको आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताती हूँ कुछ बेसिक टर्म्स। उन बेसिक टर्म्स में आती है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड ऑरिएंटेशन और कॉन्फिग्रेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट डज इट मीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो फर्स्ट वी विल सी दिस, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट इज एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट डज इट मीन एम्पिरिकल फार्मूला इज द रेशियो formula which gives the ratio of atoms of different elements, atoms of different elements present in the molecule, means कि कोई भी एक molecule है उसमें more than one type के क्या हैं atoms है, उन एटम्स का क्या रेशियो है, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम इसको अगर एग्जांपल से देखें तो ये मेरे पास एसिटाइलीन है C2H2 एंड दिस वन इज बेंजीन C6H6। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इसमें दो टाइप के एलिमेंट्स हैं कार्बन हाइड्रोजन, उनके एटम्स का रेशियो क्या है 1:1 और यहां पे भी क्या है 1:1। तो इन दोनों का ही एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH। ओके, नेक्स्ट मैंने लिया कि इसका एग्जांपल CH3 तो अब इसमें आप देखो क्या बन रहा है C2H6O और 1:3:1 तो CH3O। और अगर मैं एल्कोहल लू C2H5OH तो इसका भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन को इधर जोड़ देंगे तो 1:3:1। तो हमने क्या देखा, एल्कोहल्स और ईथर्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सेम, बेंजीन और एसिटाइलीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है सेम है। लेकिन अगर मैं इनमें एग्जैक्ट नंबर देखूं, एग्जैक्ट नंबर एसिटाइलीन में क्या था C2H2, तो ये इसका क्या है, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला विच गिव्स द एग्जैक्ट रेशियो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स of different elements present in the molecule, means किसी भी molecule में अगर एक से ज्यादा type के atoms हैं तो उनका exact number क्या है। देखो acetylene में exact number क्या है C2H2 और benzene में exact number क्या है C6H6। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मे बी सेम बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। तो हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, एम्पिरिकल फॉर्मूला गिव्स द रेशियो वेयर एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स द एग्जैक्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, व्हाट डज इट मीन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिव्स द रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, इट गिव्स रिलेटिव पोजिशन ऑफ एटम्स कि एक एटम दूसरे एटम से कितना दूर है, फिर उससे तीसरा कितना दूर है, एटम नंबर 1 पे कौन कौन से ग्रुप्स हैं, 3 पे कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनकी पोजीशन हमें पता चलती है। जैसे
अब अगर मैं एसिटाइलीन का फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूं, तो वो मैं लिखूंगी सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पे नहीं है और इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, पहले एक हाइड्रोजन है, फिर उसका नेक्स्ट एक कार्बन है, फिर नेक्स्ट एक कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, यानी कि इनका सीक्वेंस ये है। अब C2H2 लिखने से तो मुझे पता नहीं चल रहा था ना कि दोनों कार्बन पहले आएंगे, यानी कि ऐसे होगा इसका फॉर्मूला, या HCHC होगा या CHCH होगा। नो, आई वॉज नॉट गेटिंग एनी आइडिया। सो जो फॉर्मूला हमें क्या बताए, उनकी रिलेटिव पोजीशन की कार्बन हाइड्रोजन से कितना दूर है, नंबर एक कार्बन नंबर दो हाइड्रोजन से कितना दूर है, नंबर एक से कितना उसके डिस्टेंस है, उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, विच गिव्स द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। रिलेटिव पोजिशन यू कैन से और रिलेटिव डिस्टेंस हमें बताता है कि यहाँ कार्बन नंबर टू के ऊपर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन वन से इतना दूर है और हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन टू से इतना दूर है, दोनों कार्बन दोनों हाइड्रोजन के बीच में है। अगर मैं बेंजीन लिखती तो मुझे क्या पता चलता कि छह कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं है कि छह हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन एक पे तीन हाइड्रोजन दूसरे पे, या दो दो करके तीन, या तीन जीरो ऐसे नहीं। तो अब ये लिखने से मुझे पता चल गया कि सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर एक के पास कार्बन नंबर टू है, टू के पास थ्री, थ्री के पास फोर, सिक्स और वन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लिखने से ही तो मुझे पता चल रहा है, साथ में ये पता चल रहा है कि सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। अब मैं इनमें डबल बॉन्ड भी लगा देती हूँ तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वन और टू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, टू और थ्री के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो उनकी रिलेटिव डिस्टेंस भी हमें पता चल जाती है। तो ये जो फॉर्मूला है जो कि हमें रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव पोजीशन बताता है, उसको हम क्या बताते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज ऑरियंटेशन। व्हाट डज इट मीन ऑरियंटेशन? ऑरियंटेशन मीन्स कि वो हमें डिस्टेंस तो पता चल गई, ये देखो कि ये कार्बन एक मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, उसमें इसके पास तीन हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक Cl ले लिया और इस पे ले लिया एक CH3। तो अब आपने देखा ये क्या बन गया, बैठिए काइरल कार्बन बन गया। अब इस काइरल कार्बन को आप ऐसे देख सकते हो कि नहीं देख सकते कि एक तरफ CH3 है, इस साइड CH3 लगा दो, इस साइड क्या लगा दो आप, CH CH3 CH2 CH3, इस तरीके से दो H लगा दो, दो H और एक साइड CH3 और यहाँ पे एक H और एक ये Cl। तो अब मेरे को ये तो पता है कि नंबर वन कार्बन पे नंबर तीन हाइड्रोजन है और नंबर टू पे एक, नंबर थ्री पे दो, नंबर फोर पे फिर तीन हाइड्रोजन है, तो मुझे उनकी रिलेटिव पोजीशन पता चल चुकी है। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, ये क्लोरीन ऊपर है कि नीचे है, ये तो मैंने खोल के लिखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती CHCl तो आपको ये तो पता चल जाता कि क्लोरीन नंबर टू कार्बन पे है, नंबर वन पे नहीं है, नंबर थ्री पे नहीं है, नंबर फोर पे नहीं है। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता था कि ये डेक्स्ट्रो के लीवो है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, इसका ओरिएंटेशन कहाँ है स्पेस में, आप पे के डाउन है, इधर है कि इधर है कि इधर है, ये आपको पता नहीं चलता था। तो जो फॉर्मूला हमें स्पेस में पोजीशन बताए, रिलेटिव पोजीशन नहीं, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी नहीं, ये तो हमें पता चल गया कि दो पे है, लेकिन दो में भी वो स्पेस में कहाँ है, टॉप डाउन लाइट लेफ्ट साइड राइट साइड, ये हमें जो बताए उसे हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन, या हम उसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले तो मेरे को ये चार टर्म्स आपको एक्सप्लेन करनी थी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, देखो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स से कंपाउंड्स हैविंग सेम
पहले मैं आपकी डिफाइन लिख रही हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके यही बोलते हैं 99% स्टूडेंट्स। तो दिस इज इनकरेक्ट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन सही नहीं है। मैं आपको बता रही हूं, आपको लिखना है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, क्या डिफरेंट, क्या डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या कहते हैं उसको, आइसोमर्स, और द फिनोमिना ऑफ हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सो नाउ यू आर गेटिंग माई आइडिया, आइसोमेरिज्म मीन्स फिनोमिना ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट शोइंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। देखो, जो कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम डिफरेंट कर देंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, आइसोमेरिज्म, ओनली आइसोमेरिज्म, ना कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जब आपसे कोई खाली आइसोमेरिज्म की डिफाइन पूछता है तो यू हैव टू से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के टाइप, कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड नेक्स्ट वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मीन्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम विल बी डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मीन्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, रिलेटिव पोजिशन इज सेम, बट क्या चीज डिफरेंट होने वाली है, बट डिफरेंट ऑरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, मीन्स कि ये चेन है, यहां पे ये रेड ग्रुप है, ये है तो यहीं पे, और यहां पे ये ग्रीन ग्रुप है, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन यही है, लेकिन इनका स्पेस में, यानी कि इधर हो गया, इधर हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो जुड़ा हुआ इसी कार्बन से है, या ये वाला कार्बन से जो ग्रुप जुड़ रहा है, ये ऐसे भी जुड़ सकता है, ऐसे भी जुड़ सकता है, ऊपर भी इधर भी, तो उसका स्पेस में हम क्या देख रहे हैं, ऑरिएंटेशन इज डिफरेंट, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज, फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज पोजिशन आइसोमेरिज्म, थर्ड इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ इज मेटामेरिज्म, फिफ्थ इज टॉटोमेरिज्म, एंड लास्ट वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये सिक्स टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है,
अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, यानी कि एक एटम या एक ग्रुप या दो ग्रुप अपनी जगह से पोजीशन शिफ्ट करते हुए दूसरी जगह पे चले जाएंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंट। और उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने से चेन भी डिफरेंट हो सकती है, मेन चेन ग्रुप्स की पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो सकता है, या अगर सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लेफ्ट राइट पे जो चेन की लेंथ है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। टॉटोमेरिज में हाइड्रोजन एक जगह से चल के दूसरी जगह चला जाता है, और रिंग चेन में एक में रिंग बनी हुई होगी साइक्लिक तो दूसरा क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। तो इस तरीके से ये सिक्स टाइप की चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। और अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देखें तो इसमें तीन टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड थर्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, यानी कि वहीं पे होगा ग्रुप, लेकिन उसी कार्बन पे पहले वो टॉप था तो अब राइट हो जाएगा, राइट था तो लेफ्ट हो जाएगा, तो उसकी पोजीशन क्या होने वाली है, स्पेस में पोजीशन क्या होने वाली है, चेंज। ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, डबल बॉन्ड के जो दो कार्बन है ऊपर और नीचे, इस पे जो दो ग्रुप लग रहे हैं उनकी पोजीशन लेफ्ट थी तो राइट हो जाएगी, राइट थी तो लेफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और कन्फर्मेशनल में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इस कार्बन पे जो ग्रुप्स हैं और इस कार्बन पे उनके रिलेटिव पोजीशन हम चेंज करेंगे। तो वी विल सी ऑल दीज टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म वन बाय वन इन माय कमिंग वीडियोस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड देन वी विल सी ऑप्टिकल देन ज्योमेट्रिकल देन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू।